के बाहर अधिवक्ताओं ने जाम लगा दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 के बाहर रास्ता जाम कर दिया है। तो बड़ी जानकारी, पुलिस के द्वारा कार्रवाई नहीं करने को लेकर सभी अधिवक्ता नाराज हैं। एक अधिवक्ता की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने से जुड़ा ये मामला है। पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करने को लेकर नाराज हैं सभी अधिवक्ता और इसको लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं ने जाम लगा दिया है। बड़ी जानकारी, जहां पर गेट नंबर 3 के बाहर अधिवक्ताओं ने जाम लगाया है। जयपुर से हमारे संवाददाता विवेक शर्मा अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करने पर सभी अधिवक्ता नाराज हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के बाहर अधिवक्ताओं ने जाम लगा दिया है, वजह क्या रही, पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दीजिए विवेक। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 पर अधिवक्ताओं ने जाम लगाया है। कुछ अधिवक्ता नाराज होकर सड़क पर निकले और वाहनों को रोक दिया है। मामला बढ़ने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पुलिस ने स्टेचू सर्किल और आसपास के इलाके में बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही जो है उस मार्ग पर रोक दी है। पूरा मामला महेश नगर थाने से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां पर एक अधिवक्ता की प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई विवाद था, जिस पर अधिवक्ता का आरोप है कि पुलिस उस मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी से आक्रोशित होकर अधिवक्ता जो है वो अपने साथियों के साथ सड़क पर निकला था और सड़क पर जाम लगाया था। फिलहाल पुलिस के अधिकारी अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर रहे हैं, रास्ता खुलवाने के प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इलाके में बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही रोक दी है, जिससे किसी तरह के जो टकराव है उसको रोका जा सके। और फिलहाल मौके पर अधिवक्ताओं को हटाने के लिए समझाइश के प्रयास जारी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, राजस्थान हाईकोर्ट के सभी अधिवक्ता बाहर आ चुके हैं, जाम लगा दिया है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई ना करने को लेकर सभी अधिवक्ता नाराज हैं।